मैं तुहानू कहना जे गुरु का बे इंसाफी का इंसाफ ना देता तो सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, देही दा दे उत्ते लाओ। मेरी गल याद रखियो, अज बराड़ साहब नू कह रहा, ये अपने छोटे भाई नू कह रहा, पंजाब की आत्मा है, साडी पग है, साडा माई बाप है। जिन्होंने की म्यूनसिपैलिटी के सांडा वागू घूमे फिरते है, तो फिर काली सरकार जड़ी उन्होंने तंग ना सके, जड़ी गुरु ने इंसाफ के लिए अगे कदम वधा ना सके। आवाज आई है कहती दसो कि दो महीने पहले जो सरकार बनी की कह के बनी सी, दसो और रिपोर्ट लखां मावां रोंदियां, लखां नौजवान सरियां वाला मुर्गे। मैं बटाले दे विच खड़ोता, एक बुजुर्ग कहिंदा सिद्धू मेरा पुत, मैं टैंकां अगे खड़ोता, मैं बंबां अगे खड़ोता, मैं जंगा लड़ियां 1971 दी ते 61 दी, पुत्रा मैं मुकदमे लड़े है, लेकिन अज मैं हार गया। मैं की होया बापू? कहता अज मैं इस करके हार गया भी मेरा पोता नालियां च रुलिया फिरदा, नालियां च रुलिया फिरदा। जे सच्चा मां दा जणिया ते ओह इंसाफ जरूर दवाई। ते मैं अज तुहानू कहना जे ए रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरन वरत दे उत्ते जाओ जाओ। कहता तुहानू, कहता तुहानू जे रिपोर्ट पंजाब सरकार ने ना खोली, मैं क्या है पता लगे, मैं कहना ये पता लगे कि पिछला मुख्यमंत्री 4.5 साल ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे कि होम मिनिस्टर ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे हूं तो सरकार खोली है। तुसी कह के आए सी इसे गल दे उत्ते, कह के आए सी लखां नौजवान बर्बाद हो गए, लखां सूबा छड़ के चले गए, ते लखां अज मावां इस कुताही का रंज रख दिया ने, वह चाहदिया ने कि उन्होंने पुत जड़े सिरिया ने अज भी उन्होंने कालजे च वड़दे है, उन्हों का सिरा मिले, उन्हों का सिरा मिले। इस करके मैं तुहानू कहना कि उस गुरु के गुरद्वारे जिथे बेअदबी हुई सी, अगर यह रिपोर्ट खोली ना गई, क्योंकि कानून कहता, क्योंकि कोर्ट कहता और कोर्ट दी हदायत ने कि खोलो रिपोर्ट, कौन रोकता थोड़ा एक्शन लैन को, खोलो और अंदर दो जिन्हों लोगों ने यह बेअदबियां कीतियां। तो फिर क्यों नहीं खुलती रिपोर्ट, क्यों नहीं खुलती रिपोर्ट? मैं ऐलान करदा कि जे हुण यह रिपोर्ट ना खुली, बग गए पुराने की धरती के उत्ते, मैं तुहानू कहना क्योंकि मैं प्रधान हां, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर ताकत नहीं, लेकिन फिर भी चंदी कह के गया कि पार्टी की हदायत से चलता सारा कुछ, बाकी पुराने की इस धरती के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ऐलान करता और अपनी नेक मां का दुध पी के ऐलान करता जे रिपोर्ट ना खिली तो सिद्धू अपनी देही खा दे। इलेक्शन एक कला लाड़िया का इलेक्शन नहीं, एक कला गला का इलेक्शन नहीं। तो दस बापू जे सच्चा है तो दस, पहला कहा कि नहीं कॉलेज बनूगा, क्या सी किन्ने साल पहला कहा, 4 साल पहला कहा, बोलो तुम गवाओ। वो जरा ठिबी बन के ऐसे करके आवाना महाराजा कह, बोलो क्या कि नहीं किया, बोलो पुछो विधानसभा क्या कि नहीं किया, साढ़े चार बोल दस क्या कि नहीं, बड़ा हस्पताल बनाऊंगा क्या कि नहीं किया, अज बन गए दसो बन गए, तुम दसो। फिर क्या लख करोड़ रुपये का कर्जा माफ करूंगा, हो गया दसो ना, हो गया। तो क्यों रोंदा सिद्धू, क्यों रोंदा सिद्धू,
इस करके रोंदा सिद्धू भी 7 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है पंजाब के सिर के उत्ते। तुम बोल रहे हो, किसान बोल रहा है, हर बंदा बोल रहा है, खुदकुशियां चल रही हैं हर पासे, खुदकुशियां चल रही हैं। क्यों नहीं मुड़ता कर्जा? क्यों तुम कहते भी किसान का कर्जा मोड़ांगे? क्यों नहीं तुम कहते भी कर्जा चढ़ नहीं देंगे? कदे किसी ने कहा इस करके नहीं मुड़िया? हॉस्पिटल इस करके नहीं खुलिया? कॉलेज कुड़ियों का इस करके नहीं खुलिया भी सरकार के कोल पैसे है नहीं? ते अज भी थोड़ा मैं कहना जे रेते चो 2000 करोड़ रुपया ना कढ़िया तो जुम्मा देना, जे शराब मैं शराब के हक च नहीं लेकिन जे बिकती है तो स्टेट के खजाने जाए, जे 20000 करोड़ रुपया ना कढ़िया तो माना जने ना कहो जे पालसी जमा के ठोक के 20 ते 22 हो 20 ते 22 हो उदू बाद आ केबल केबल का मसला यह नहीं भी थोनू सौज लेनी है, केबल का मसला यह है भी स्टेट नू की आता है, पंजाब नू की आता है। एक बंदा जुझार कीदा हो गुलाम है, कीदा हो चेला है, उन्हें कल्ले ने जिन्ने MSO एको कल्ला MSO जिन्ने केबल ऑपरेटर ने सारे गुलाम बना ले, सारे ना साइन करा ले और आप 500 रुपया कमाया स्टेट नू पंजी नहीं दिती। तो मैं कानून बना के कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरवाजे पर रखिया, कैबिनेट के बच्चों टेबल पर रखिया, मैं उन्होंने कहा कि स्टेट को 5000 करोड़ रुपया आऊ, तू एक कानून पास कर, मैनू ये कंप्यूटर को हाथ पाउन दे, इन जेले दे, इन 4 साल की कैद कर दे। अमरिंदर सिंह कहना कैद नहीं कर देनी, इस प्रेजिडेंट को भेज देने भैने भैने यार मेरी फतो दे ठोको टका के तंग। सच है, सच है, ये बिल्कुल सच है। मोनोपोली बना के बैठे है, बाहर लोग जड़े चैनल आ गए और 2 करोड़ 3 करोड़ स्टेट को कॉपी नहीं दे रहे। अज चाहे जमीन दबिया हुई हो, दसो किन्ने के दलता को 5 मरले के प्लाट मिले हो, की होया? यही प्लान बना रहा मैं और मैं थोनू अज कह रहा, यह 2 साल ने थोड़े को मेरे किसान वीरो 2 साल ने थोड़े को, मैं तो थोड़ा कहता कि जे ऐज की सरकार ले आंदी सिद्धू झूठ बोल के नहीं लियाएगा, सिद्धू पंजाब के खजाने 30-35 हजार करोड़ रुपया पा के फेर लियाएगा, सरकार नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा सिद्धू। कोई ये ठेका है कि भाई मेरा धंधा है, मेरे रेत दिया खड़ा चल दी है, मेरे दुकाना ने मेरे को की है कख नहीं है, बस तांग है कि शासक भाव सट के परिवार का भाव जगा। जे जवाक बहर जाई जाते हैं, मेरे जवाकों वर्गे जो कहने आपका जवाक बना होता वो फॉरन कंट्री, फॉरन कंट्री आ जवाक जे बहर जाई जाते, यह इसने सोचे पंजाब नीति ना उत्ते उठू। तो मेरे वीरो मैं तुम अज टका के कह रहा, सुन लो मेरी गल, अज काले कानून तो वापस हो गए, तुम जित जित ली, यह किसी की जित नहीं, जे कोई पॉलिटिक्स वाला कहे कि मेरी जित है, बिल्कुल नहीं, यह संयुक्त किसान मोर्चे की जित है, यह किसानों की जित है, यह थोड़ी पग की जित है, यह तुम जित है, लेकिन यह जित भी अधूरी है, यह जित भी अधूरी है। ये लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और यह सब तो वड्डी गल है, ध्यान नाल सुनियो, यह सब तो वड्डा षड्यंत्र है। मित्र प्यारो इन्होंने कानून तो वापस लेने पर की थोनू खरीद की गारंटी दी है? दसो तुसी कणक बीज दो, तुसी झोना बीज दो, 1 किलो झोने के पिछे 5000 लीटर पानी लाने, कर्जे लेके ट्यूब लेने, पानी नीवा जाता, कर्जे सिर चढ़ी जाते, खुदकुशियां हो ही तुरी जाए। मैनू दसो, तुसी दसो कि कोई गारंटी दी है? सवाल यह नहीं भी काले कानून पास हो गए वापस हो गए, सवाल यह है भी थोड़ी MSP की खरीद के उत्ते लीगल गरंटी सरकार ने दिती है कि नहीं दिती? नहीं दिती। तो जे वो लीगल गरंटी है नहीं तो पंजाब है नहीं, मेरी गल याद रखियो, क्योंकि इन्होंने हुण खरीद भी जी है वो बैंकों च पास पैसे पा के करनी, इन्होंने फसल ही नहीं चुकनी, इन्होंने SCI ठोकती।
90 हजार का करता सी अति अज 4 लाख है। इन्होंने पीडीएस गरीबा अनाज दिंदे सी सस्ता 70 करोड़ गरीबा हुण 40 करोड़ करते। इन्होंने हुण गरीबा अनाज देना भी बंद करते। इन्होंने पैसे थोड़े अकाउंट पाने ते जड़े थोनू गरीबा सस्ते अनाज मिलते सी थोनू अंबानी दे शोरूम दे उत्ते जाके ओ मार्केट रेट ते खरीदने पैने हैं। होर ते होर किसान वीरो मैं थोनू सुचेत कर रहा, मैं थोनू कह रहा कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल बिल लेके आ रहे हैं, आया पे 6 महीने पहले आया सी। और थोनू अज दस रहे जी 8000 करोड़ रुपए की सबसिडी मिलती है ना बिजली फ्री, बापू तेन भी दस रहा जी बिजली फ्री मिलती है ना, ये थोनू सारी बिजली ये कहेंगे पंजाब सरकार हुण ये पैसे भी किसान के खाते च पावे। जड़ी जड़ी सरकार दे कोल 2000 करोड़ सरपलस नहीं जिसे सारे दे सारे ईटीपी टीचर काले धंधे लई फिरदे है, हां जी जिसे डाक्टर भत्ते खातर बाहर सड़कों के उत्ते फिरदे है, हां जी जिसे पक्के इंपलाई कच्चे इंपलाई कहते पक्का कर दो सानू 5000 करोड़ की तांग दे विच, ते तुसी मैनू दसो वो किद्दां दऊगी 10000 करोड़ रुपया, किद्दां थोड़े खातियां च 10000 करोड़ रुपया पाऊ। सीरियस गल्लां ने, संजीदगी वालियां गल्लां ने, ये कोई हासे मखौल नहीं, ये कोई ये नहीं भी चुटकले सुना के चलिया गया। और थोनू आगाह ना किया, मैं थोनू आगाह कर रहा, मैं थोनू कह रहा कि FCI मारनगे, मारती ऑलरेडी 1965 तो लैके 2014 तक 90000 करोड़ रुपया कर्जा FCI से, अज 4 लाख 50 लाख तेरा 3 लाख करोड़ का जान के क्योंकि पैसे भी है। हुण गरीबा 70 करोड़ तो 40 करोड़ करता, सीधा पैसा पाया करे मोदी का प्लैन है। और जो सीधा पैसा थोड़े खातिया आया उस दिन ना थोड़ी फसल चुकी जानी, कौन चकू कहेंगे कहेंगे असं फसल चकांगे, ये नहीं दसंगे कि कल्ली पंजाब तो चकांगे, ये थोड़ी थोड़ी करके सारी थावां तो फसल चकांगे और इतने फसल रुड़िया करो। मैं इस करके कहना भी पंजाब सरकार की करती है, ये साडा 2 साल का अगला जो पंजाब सरकार उठी ना उन्हें पॉलिसियां बनाईया ना उन्हें थोड़ी मार्केट दिती ना, ला मैं थोनू अज कहना भी 5 रुपये डीजल सी, सुन लियो मेरी गल, 5 रुपये डीजल सी बंद में अज 100 करता, तो जट की MSP ये डीजल हो गया 25 गुणा उत्ते, जट की MSP 5 गुणा बनी। एक प्रोफेसर 1972 च 90 रुपये लेता सी, उसकी तनखा 1000 गुणे बदी, जट की MSP 15 गुणे बदी, जट नूं पेंशन मिलती है, जट नूं DA मिलता, जट नूं TA मिलता, कुछ नहीं मिलता किसान नूं, कुछ नहीं मिलता। अन्नदाता भिखारी बना के खड़ा करता इन्हां लोगों ने, यह सिविल अनरेस्ट ये नारे ये इस करके आया कि स्टेट का खजाना निजी जेबां दे विच जा रहा है, और जब तक निजी जेबां दे विच जांदा रहू किसान का उत्थान होना नहीं। इस करके वीरो मैं थोनों एक गल का प्रण करता, प्रण करता कि जब तक किसानी खड़ी नहीं होंगी, जब तक किसान की MSP किसान की MSP उन्हों वाजिब रेट मिलते नहीं, और रेट किन्ने ने ये दिंदे 1700 ते आ बार्डर दे उत्ते रख बापू 1700 की कणक एक दिन दे विच 3000 रुपये, 3200 की बासमती आ बार्डर दे रखो 34 नेशन दे बार्डर दे उत्ते 3200 की बासमती 7000 रुपये, 5 रुपये का मटर 25 टुटना नहीं, 5 रुपये का टमाटर 30 टुटना नहीं। ते की करदे आ थोको टमाटर किलो 5 रुपये लेंदे आ, शाम को परचून की दुकान के उत्ते 25 का बिकता है, तो जे 4 महीनों बाद किसान ने उही टमाटर लेना हो 60 का बिकता है। इतने कोल्ड स्टोरेज है, यही रोंदा सिद्धू भी अनाउंसमेंट कर देने कोल्ड स्टोरेज कि पाया किसान खातर, उन्होंने स्टोरेज कि दिखती है, कोआपरेटिव कितने बनाए है दुनिया के दसो, सिवाय किसान के कोई बंदा अपनी दुकान ला के बैठा हो और कीमत कोई होर तय करता हो, दसो किसान भीरो दसो तो सही, इस धरती के उत्ते दूआ बंदा दसो जिनी आपकी चीज होवे ते किसान की फसल की कीमत है अंबानी का नहीं तय करते हो, है प्राइवेट प्लेयर तय करते हो, तुसी कोऑपरेटिव बनाओ ते उसे दिन सुन आ बेर के आले दुध पाउंदे है
सुलझदा कि नहीं सुलझदा, सारे का एक रेट है कि नहीं है। इस करके मैं थोनू कहना वो जो थोड़े पले सी वो भी खोलिया। वो एक बंदा सी लाहौर थोनू हिसाब देना, एक बंदा सी मुख्तियार सिंह विआह नहीं होंदा, उसने पीर बाबा बलडोई की मजार से सुखना सीखी। कहना बाबा मेरे विआह करा, मैं बापू सुन ला हूं तेन मजार आया। कहना बापू मेरा विआह करा दे, हे पीर बाबा बलडोई मैं 100 दिन देसी घ्यो दे चराग जलाऊ दे, और जलाऊ भी 100-100। उन्हें जो पीपी सैंती देसी घ्यो दे, हर रोज पटू पीर बाबे बलडोई की मजार के उत्ते 100-100 चराग जलाया। मैं 100 जदों 39 दिन बीत गए, 100-100 चराग जला के पीपी रखी है। तो जदों 100वां दिन आया उन्हें फटों फट 10 बाले, ते पिछों आवाज आई मुख्तियार सिंह उन्हें कहा लै भी मकलावा, लै भी मकलावा। फिर आवाज आई मुख्तियार सिंह कहना दस बई लंबी है, उच्ची है, गोरी है, चिट्टी है, सोहनी है, कहरी है। कहना मुख्तियार सिंह तेरी मां मर गई हो। कहना वाह तेरे पीर बाबा बलडोई, ओ वाह तेरे पीर बाबा बलडोई, तो नवी लाड़ी तक की देनी सी मेरे बापू वाली भी खोई। टोको टोको टका के टोको जरा ताड़ियां, इना देना थोनू की है जो थोड़े कोल सी सारा ले जाएंगे। मेरी गल नू याद रखियो, और मैं थोनू ऐलान करके जा रहा, चाहे गुरु की बेइज्जती होवे, चाहे ड्रग जरा इंसाफ होवे, चाहे पंजाब सरकार का खजाना, यह हस्पताल, यह हस्पताल, यह स्कूल, यह नर्सिंग कॉलेज, यह उदन बनने हैं जिदन पंजाब के खजाने चो 25-30 हजार करोड़ रुपया आऊ, गौरमेंट दीयां स्कीमां दे विच पै के 50 हजार करोड़ हो, उस दिन बन गए। थोड़ा एग्रीकल्चर का बजट 13 हजार करोड़ है, तो 8 हजार करोड़ सबसिडी, 5 हजार करोड़ तनखाह ने, ते की गंदी ना हो, ते की निचोड़ू। ते यही पहला गौरमेंट सानू बार्डर का फंड दिंदी हुंदी सी, 90-10 पैसे पाउंदी हुंदी सी सरकार, ते 90 पाउंदा सी सेंटर ते सारा पा के लै लैंदे सी। उन्होंने करता 60-40 भी 40 तुसी पाओ ते 60 ते 5 नहीं लई गई, 5 नहीं लई गई। जिहड़ी कोठी दाने वे कमरे भी सियाने ते दाने जांदे आ आ रेत माफिया दे, शराब माफिया दे, इन्हां दी जेब ठक ते सरकार चलदी है कर्जा लैके कर्जा मिले। इहनूं बदलांगे, पंजाब ते 7 लाख करोड़ का कर्जा भी लवांगे, ते तुहानूं नौकरियां भी देवांगे। एक नारा ला दिओ टका के, जे आऊंगा ते उदो आऊंगा जो बापू नूं जताऊंगे, और जो मैं कह के चलिया इनू पूरा करूंगा। याद रखियो मेरी गल, मैं वो बंदा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह का सिख है। गुरु गोबिंद सिंह किसी ने पूछा सी बंदा कहड़ा चंगा ते जनानी कहड़ी चंगी, ते कोई कहे जी बंदा वो चंगा जिहदे डौले फटदे होण, 8 फुट का कद होवे, 24 छाती मारे हूरा बंदा ही धरती च कर दे, ते जनानी चंगी है जी उहदियां अक्खां ऐ फलाना। गुरु साहब कहिंदे गल सुनो, बंदा वह चंगा जरा वचन का पक्का, तो जनानी वो चंगी जिंदिया अखा के शर्म ते हया। गुरु गोबिंद सिंह का सिख है, थोनू कह के चलिया कि जे पंजाब ऐद की ईमानदारी की सरकार ना बना के दी, तो जुम्मा देना देही दात लाऊ, सर्वस्व मिटाऊ, लेकिन गुरु के सिखा के नाल, गुरु की संतान के नाल धोखा नहीं होने दूंगा नवजोत सिंह सिद्धू, और झूठ नहीं बोलूंगा किसी के नाल भी नवजोत सिंह सिद्धू। नारा ला दो, बोलने वाली आ रहे हो।